ये है लीच का बागान। तो यार भागना पड़ेगा पहाड़ों के बीच में, इतना ज्यादा लीच है यार, मैं तो डर गया। नुगा नुगा मामा मंजिला बोला ना ही बैठा बोना ना बिशरा बोला बुखार 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 ऐसा बहुत ही ज्यादा चिपक गया है रे ये। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जितना तारीफ करो उतना ही कम है, मतलब कितना सुंदर है यार नज़ारा देख लो दोस्तों। नज़ारा देख सकते हो कितना खूबसूरत है, मतलब ऊपर की तरफ बादल और नीचे की तरफ नदियाँ, देख लो पहाड़ पहाड़ों के बीच में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और मैं आज जाने वाला हूँ नाकाटी। यहाँ से नाकाटी तक 25 किलोमीटर होता है, नाकाटी से भी यहाँ तक 25, तो कुल मिला के 50 किलोमीटर। मैं साइकिल राइड करने वाला हूँ, जो कि ये रहा मेरा KTM। KTM से आप 50 किलोमीटर साइकिल राइड करेंगे। तो मैं आज पूरा ऑफ रोडिंग साइकिल चलाने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहना। तो दोस्तों आज का मौसम जो है बहुत ही ज्यादा धूप दे रखा है, तो बहुत ही गर्म लगने लगा है यार। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आप लोग जो वहाँ पे पहाड़ देख रहे हो, वो वाले पहाड़ पे आप लोग देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों आपका भाई जो है आज अकेला जाएगा, मतलब अकेला साइकिल राइडिंग करेगा 50 किलोमीटर तक, तो आप लोग को एंड तक देखते जाइए। तो दोस्तों यार क्या ही धूप दे रखा है यार, धूप के साथ साथ हवा भी दे रहा है, मतलब ऐसे हवा में जो साइकिल चलता ही नहीं। तो मेरा साइकिल का वो टायर है ना बहुत ही बड़ा बड़ा है, जितना भी मतलब चलाओ चलता ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता है भाई। तो सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना। तो यार काफी नजदीक आ गया हम लोग पहाड़ के सामने। दोस्तों इतना धूप है ना, मेरा पसीना वगैरह निकल गया भाई। तो दोस्तों ये जो व्यू है ना गोवा जैसा लग रहा है, मतलब चारों तरफ नारियल का पेड़ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सामने है उस तरफ पहाड़, सब सामने क्या ही सुंदर नारियल का ट्री है, और सामने देख सकते हो लेक, तो यहाँ पे नाव वगैरह चला सकते हो। तो दोस्तों क्या ही धूप है यार, मतलब पसीना वगैरह निकल गया, मेरा तो हालत खराब हो गया, मतलब मैं आज तक इतना ज्यादा साइकिल नहीं चलाया था, पहली बार 50 किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ। दोस्तों इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। वही सब क्या ही गर्म है यार, मेरे को कपड़ा खुलने का मन कर रहा है, तो टी शर्ट वगैरह खुल लेना पड़ेगा दोस्तों। वाह अब लगने लगा है थोड़ा सा ठंडा। तो दोस्तों मिलने वाले हैं, काफी तारीफ है। तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और बाकी है। भाई साहब ये क्या हो गया देख लो यार, गड्ढा, अगर यहाँ पे कोई गिर जाएगा तो पूरा उसका हड्डी तक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद फाइनली पहुँच गया हूँ नाकाटी। तो यार ब्रिज मिल गया हूँ, काफी थक चुका हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली ये रहा नाकाटी का गेट और वो रहा व्यू पॉइंट। दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं और थोड़ी देर बाद उस व्यू पॉइंट पे चल के आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, मतलब बारिशों के दिन पे कैसा होता है नाकाटी। तो यार इस भाई को मिल गया, आप लोग देख सकते हो ये कौन है, ये जो पिछले वीडियो पे आया था ना। तो कैसा पहुंचा रहे यहाँ पे बताओ। अरे ये शर्मा रहा है, थोड़ी देर बाद पूछ लेता हूँ उसको। दोस्तों मैं अकेला आया था और इन भाइयों को भी मिल गया, काफी खुश हूँ मैं। चल झूठा। आगे की तरफ ऐसा है ब्रिज देख सकते हो, मतलब ये गिरने ही वाला था, यहाँ पे मिट्टी वगैरह सब कुछ उड़ा के ले गया नदी। तो ये दो क्या बोलते हैं, ये बेटलनट ट्री से चढ़ना पड़ता है। तो ये ऐसा है साहब, ये ब्रिज का क्या हाल हो गया यार, मतलब यहाँ से कूदना पड़ता है भाई, अगर लड़की हो तो कूदा नहीं जा सकेगा, मतलब पैर वगैरह टूट जाएगा। क्या बोला तूने? तो भाइयों मैं इस नदी पे तो धुपकी मार के ही जाने वाला हूँ। ओए मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल यार बिक गया है, आईफोन मिल यार, ले लो। अब सुकून मिलने लगा है मुझे। ऊपर पे भी है दोस्तों वाटरफॉल, वहाँ पे जाके नहा के मस्त से आ जाएंगे। दोस्तों पहाड़ों के बीच पे पहुँच गया हूँ, आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ भी पहाड़ और आगे की तरफ भी पहाड़, तो पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। तो यहाँ पे एक मजेदार चीज दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोग को, ये रहा विंग। आप लोग यहाँ पे ऐसा रह के मतलब फोटो वगैरह खींचा सकते हो दोस्तों को, तो ये रहा बहुत ही खूबसूरत विंग है। तो आप लोग फोटो खींचोगे? वाह ये लोग तो पहले ही खींचने लगा है गांडू लोग, जाओ मैं खींचता हूँ तुम लोग को। तो दोस्तों मैं जो पिछले वीडियो पे इसको लाया था, ये भाई किस चीज से आया है मेरे को पता नहीं, तो इनसे पूछ लेते हैं कैसे आया, मतलब ये भाई तो मेरे को बताया नहीं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। तो तुम कैसे आया बताओ? पैदल से। पैदल? अरे भाई तू 26 किलोमीटर पैदल आया, भाई साहब तेरा क्या हालत हो गया, नाकाटी को देखने का मजा ही कुछ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा भाई साहब, खतरनाक बंदा है यार ये, आज पहली बार देख रहा हूँ ये पैडल से आया है भाई, मैं तो थक गया हूँ साइकिल से ही। तो यार दोस्तों बहुत ही थक गया है यार, इतने ऊंचा पहाड़ है तो हम लोग थक गया, यहाँ पे बैठ लेते थोड़ा सा। तो कैसा लगा चढ़ के? अच्छा लगा भाई साहब, क्या ही मच्छर है यार यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, इस समर के सीजन पे यहाँ पे कोई नहीं आता, मतलब कम ही आता है यहाँ पे घूमने के लिए। तो दोस्तों मेरे को सामने कुछ झरने का आवाज सुनाई दे रहा है, तो आगे जाके झरने मिलते हैं या नहीं देखते हैं।
अगर मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डुबकी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो हालत है काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो अगर झरना मिलते हैं तो थोड़ा सा जाके डुबकी लगा के ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली झरने मिल गया हम लोग को आगे की तरफ, वो रहा पत्थरों के बीचों से आ रहा है पानी, तो यहाँ पे थोड़ा सा नहा लेते हैं। मजा है ये रहा, मतलब मजा आ गया भाई। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अपुन का भाई पानी ले रहा है यहाँ पे, जो कि पानी खत्म हो चुका था हम लोग का। दोस्तों थोड़ा सा नहा लिया हूँ, अब फिर से आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। और मेरे नीचे जो है मेरे दोस्त लोग, उन लोग को यहाँ पे मिल गया, वरना मैं तो अकेले पड़ जाता भाई। दोस्तों काफी किनारे किनारे से चलना पड़ता है यार, अगर आप यहाँ से गिर गया तो आपका हड्डी तक नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इस जो पहाड़ पे इतना जरा लीच देखने को मिला है ना, आप लोगों को पता ही होगा लीच का मतलब क्या है। जो अगर एक बार चिपक जाता है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाता, मतलब खून छूट छूट के जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। मेरे पाओ में भी आया था 2-3 थो, मैंने निकल दिया। तो मेरे दोस्तों के पाओ में भी आया था, ये दिखा देता हूँ, ये रहा। बहुत ही जरा लीच है यार भाई, जहाँ भी जाओ मतलब बहुत ही थक गया हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बैठते हो तो बैठने का जगह ही नहीं है, लीचों से भरा हुआ है। इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप बैठ जाते हो तो और एक मिनट के अंदर अंदर लीच आके खा जाते हैं, मतलब आके चिपते हैं। तो दोस्तों नीचे की तरफ दो और दोस्त है, मतलब वो लोग चार नहीं पे, धीरे धीरे आ जाएंगे वो लोग भी। ओए जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों आप लोग को लीच दिखा देता हूँ, ये रहा ये एक लीच, और उस तरफ इस तरफ भी ये देखो, इस तरफ ये देखो, इस तरफ मतलब ये रहा ये भी। ओ भाई आ जाओ जल्दी 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 भाई, वो देखो मेरे पैर में भी दो आ गया, ये एक ये है लीच का बागान। तो यार भागना पड़ेगा पहाड़ों के बीच में, इतना जरा लीच है यार, मैं तो डर गया। मैं पीछे बैक कर कैरी कर रहा हूँ फिर भी भागे जा रहा हूँ, एक मिनट भी अगर आप रहते तो है तो। अरे कहना क्या चाहते हो? एक मिनट भी अगर आप रहते तो है तो, मतलब इतना ज्यादा लीच आ जाएगा आपके ऊपर, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एक मिनट भी रुक लिया ना इतना ज्यादा लीच आ जाते है भाई, मतलब बहुत ध्यान से। ओ भाई साहब इतना बड़ा देखो देखो भाई भाई साहब, यही डूंग जुबू नहीं, थप थप जल्दी जाओ जल्दी जल्दी। तो है यहाँ पे चप्पल पे पहले पैंट के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो नजारा कितना शानदार, काफी सुंदर है बारिशों के मौसम में। क्या ही लीच था यार, बहुत डर गया हम लोग, फाइनली पहुंच गया। वाह खतरनाक प्लेस है, लीचों से भरा हुआ है मतलब। दोस्तों हम लोग बहुत ही लीचों के बीच आ गया है नाकाटी हिल, आप लोग को व्यू दिखाते हैं। तो बहुत सारा बंदा आया हुआ है यहाँ पे, तो लीचों के बीच पे ये बंदे लोग भी आया हुआ है। आप लोग देख सकते हो क्लाउड का बैकग्राउंड कितना काफी सुंदर है, फोटो खींचा खींची चल रहा है। दोस्तों नजारा देख सकते हो कितना खूबसूरत है, ऊपर की तरफ बादल और नीचे की तरफ नदियाँ, देख लो पहाड़ पहाड़ों के बीच में। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जितना तारीफ करो उतना ही कम है, मतलब कितना सुंदर है यार नजारा देख लो। तो दोस्तों ये जो पत्थर है ना बहुत ही गर्म है, यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा, लेकिन क्या करूँ बैठने का जगह भी नहीं है, तो ये यहीं पे बैठना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो पत्थर है ना इतना गर्म है कि यहाँ पे मतलब अंडा भी पका के खा सकते हो। क्या बोला तूने? बहुत ही गर्म है यार, आप लोग इतना ऐसा लग रहा होगा कि ये गर्म नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा गर्म है, अंडा भी अगर यहाँ पे रख के पकाते हो तो ना पक जाएगा। एक तरफ है पत्थर का गर्म और एक तरफ है धूप का गर्म, मजा आ गया भाई। अब मिल गया है सुकून थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह लेके वापस घर चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा ये है BTS बंदा। तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, नीचे का जो व्यू है ना काफी मस्त है, मतलब आप लोग देख लो यार, कैमरा पे इतना ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा, मतलब आंखें से बहुत अच्छे देखते है। दोस्तों ये लोग जाने वाले है अभी राती पोरा ऐसा नहीं भी साइकिल से आया हुआ था। तो हम लोग के जैसे आने वाले लोग बहुत मिलते हैं यहाँ पे, जो कि साइकिल से आते हैं, वो लोग बंदे थे, वो लोग ने बताया है कि 56 किलोमीटर होता है सोरभक तक, तो उन लोगों ने साइकिल से आया था यहाँ पे, सुबह 4 बजे को आया इन लोगों ने बताया था। तो हम लोग का जो है थोड़ा सा नजदीक है यहाँ से, मतलब 25 लोग थोड़े 8:30 बजे आया था, वहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहा है। तो थोड़े देर बाद
जब वो लोग का फोटो वगैरह हो जाएगा तो हम लोग वापस नीचे चले जाएंगे। तो आप लोग को जो मैं व्यू दिखा देता हूँ कैसा है देख लो यार, नाकाटी का व्यू काफी मस्त है, मतलब हवा वगैरह भी आ रहा है। तो थोड़े पहले सिर्फ धूप ही धूप था लेकिन अब तो हवा भी आने लगा। तो शाम होने वाला है दोस्तों, जल्दी जाना पड़ेगा, अगर रात हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा लीच आएगा और हम लोग को चबा चबा के खाएगा, तो जल्दी जाना पड़ेगा। दोस्तों इन लोग को देखो यार, इन लोग सिर्फ फोटो में झगड़ा करने लगा है। इन लोग के साथ चलते और थोड़ा फोटो वगैरह भी खींच लेते क्योंकि इतना दूर आया है तो फोटो वगैरह भी खींच के ले जाना पड़ेगा, वरना तो क्या बोलेगा, मेमोरीज रह जाएगा यार। आगे की तरफ वहां से मैं थंबनेल का एक फोटो ले लूंगा, तो ऐसा नीचे जाना कूदना पड़ेगा। रे बाप रे, इतना ज्यादा नीचे पत्थरों में अगर कैसे भी एक भी गड़बड़ हो गया ना, आपका सारा पैर वगैरह टूट जाएगा भाई, इसलिए संभाल संभाल के कूदना पड़ता है। दोस्तों जुबिंदा का पोस्ट है ये, मतलब ये जो है ना, ये जो बंदा, ये जुबिंदा का मतलब बहुत ही बड़ा फैन है, हर एक गान जानता है ये जुबिंदा का। ऐसा फिर से धूप देने लगा है भाई, धूप में जो है ना वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आते हैं भाई। आप लोग देख लो यार नजारा, और पीछे की तरफ है पहाड़ देख लो भाई, और इस तरफ है मेरा दोस्त लोग जो कि ये लोग फोटो खींच रहा है। तो दोस्तों यार काफी ज्यादा भूख लग रहा है, तो इसको खाना पड़ेगा। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, अगर यहाँ पे आते हो तो रहा उस तरफ ब्रह्मपुत्र या क्या है पता नहीं, लेकिन उस तरफ जो एकदम एंड पे बहुत ही बड़ा नदी दिखने को मिलता है, ये वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे और भी, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा है, रियल में जो दिखाई देता है सिर्फ कैमरे में कैप्चर कर नहीं पाता, तो बहुत ही बड़ा है यार उस तरफ ऐसा जा रहा है, क्या है पता नहीं लेकिन बहुत ही बड़ा नदी है, मेरे हिसाब से वो ब्रह्मपुत्र ही होगा। तो दोस्तों अब तो घर जाना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा धूप पे इतना रह नहीं सकता, तो लोग चट्टानों के नीचे पे बैठ रहा है, इतना भी जगह नहीं कि चार लोग यहाँ पे बैठ जाए। दोस्तों नीचे जाना पड़ेगा यार, और रह नहीं सकता इतनी धूप में, पत्थर के साथ साथ इतना ज्यादा धूप दे रखा है यार, पत्थर भी गर्म है और उसके साथ साथ धूप भी दे रखा है बहुत तेज से, तो नीचे जाना बेहतर होगा। तो इन लोगों को भी बुलाता हूँ भाई, जल्दी आ जाओ। लो यार देख लो भाई लोग, कितना नीचे हो जाना पड़ता है, मतलब काफी तेज धूप दे रखा है, तो लीच भी थोड़ा कम हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, तो मजा आ गया भाई आके। कभी कभी ऐसा एडवेंचर करना पड़ता है यार, तभी मजा आ जाता है लाइफ में, अगर आप घर में बैठे रहोगे तो इतना मजा नहीं आता। आज तो संडे है तो हम लोग घूमने आ गया। ऑल राइट दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही था, तो दोस्तों हम लोग घर चले जाते हैं, कभी एक दिन आ जाएंगे विंटर को। तो आज के लिए इतना ही है ब्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और हाँ यार जरूर से लाइक कर देना, हाँ ठीक है।